नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दर्पण का सूत्र के बारे में। तो हम क्या जिसको सीबीएसई बोर्ड वाला लोग बोलता है ये मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ नहीं होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। आज गणित विज्ञान नहीं पढ़ना है, आज गणित पढ़ना है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका वस्तु जो होता है, किसी भी वस्तु है, आप उसको दर्पण के सामने रखते हैं। जैसे कि अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, समतल दर्पण, जो भी दर्पण। समतल दर्पण में तो मतलब जितना दूरी में वस्तु रहता है उतना ही दूरी में उसका प्रतिबिंब बनता है। लेकिन अवतल और उत्तल दर्पण में है ना, प्रतिबिंब अलग अलग दूरी पे बनता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप ये अवतल दर्पण है, आप प्रतिबिंब को आपका वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है इसको, तो इसका प्रतिबिंब ऐसा नहीं है कि मतलब ये यहाँ से इस वस्तु का दूरी जितना है, प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पे बनेगा ना, अलग अलग दूरी पे बनता है। इसीलिए हम वो देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि जो वस्तु का दूरी, जो प्रतिबिंब में प्रतिबिंब का दूरी और जो अवतल या उत्तल दर्पण का जो आपका फोकस होता है, नाभि होता है, उनके बीच में कुछ रिश्ता है क्या। अगर उनके बीच में रिश्ता पता चल गया ना, तो मतलब क्या है कि हम प्रतिबिंब का दूरी आसानी से निकाल लेंगे। कैसे? क्यों? क्योंकि भैया वस्तु का दूरी हमको पता रहता है। ठीक है, यहाँ पे दर्पण रखा हुआ है, वस्तु का दूरी, वस्तु को हमने यहाँ पे रखा है, तो कितना दूर में वस्तु है इस दर्पण से, वो तो हमको पता है ना, वो तो हम नाप सकते हैं। वही उस जो दर्पण है उसका जो फोकस, जो नाभि जिसको बोलते हैं, उसका लंबाई कितना है, वो भी तो पता है ना आपको। ठीक है, तो लेकिन आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है कितना दूर बनेगा, वो नहीं पता है, वो पता करना है। तो क्या करना होगा, इनके बीच में रिश्ता निकालना पड़ेगा, रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक अवतल दर्पण बना हुआ है। ठीक है, अवतल दर्पण है, इसमें से कुछ कुछ चीजें ये सब याद रख लीजिए कि हम वस्तु की ऊंचाई को हम एच से दिखा रहे हैं, एच ओ से। तो ये वस्तु की, ये हमारा वस्तु है, इस दर्पण में वस्तु कौन सा ये सही है वाला, इसका एच ओ हो गया। वहीं पे प्रतिबिंब की ऊंचाई है, तो इस वस्तु के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब कौन सा ये वाला है, तो इसको हम किससे दिखा दे रहे हैं, एच आई से दिखा रहे हैं। अब वस्तु की दूरी को किससे दिखा रहे हैं, मतलब हम वस्तु की दूरी का बात कर रहे हैं ना। तो हमेशा पिछले कक्षा में आप पढ़ाए थे हम, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो देख लीजिएगा, जो आपका दर्पण होता है उससे जो पोल, जो दर्पण होता है उसमें जो पोल है, ध्रुव है, उससे जो दूरी है जो वस्तु को, वस्तु का, उसी को हम यू से दिखाते हैं, उसी को हम बोले वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी हम जब भी बोले या प्रतिबिंब की दूरी बोल रहे हैं, तो वो आपका दर्पण से नापा जाता है कि दर्पण से कितना दूर है, दर्पण से कितना दूर वस्तु है, दर्पण से कितना दूर आपका प्रतिबिंब है, ये सब देखना है। तो यहां से यहां तक का दूरी कितना हो जाएगा आपका, उसको हम यू से दिखा दिए। और वही प्रतिबिंब का दूरी, हम यहां से यहां तक का प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब यहां बन रहा है, तो यहां से यहां तक का दूरी किसको दिखा रहे हैं, बी से। और जो आपका नाभि है, फोकस है ये, इसको हम एफ से दिखा रहे हैं, उसकी लंबाई को। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, उसके बीच में रिश्ता जब निकालना है, तो हमने समान त्रिभुज के बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था समान त्रिभुज होते हैं, गणित में पढ़े थे, तो गणित लगाना है यहां। अब यहां पे देख सकते हैं कि आपका वस्तु ये वाला है। ठीक है, तो ये वाला वस्तु है, तो यहां से एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, ये वाला एक त्रिभुज टाइप का बन जा रहा है, ये वाला त्रिभुज बना कि नहीं, ये 90 डिग्री है। उसी तरह से आपका जो यहां पे प्रतिबिंब बन रहा है, वहां भी एक त्रिभुज ऐसे बन गया, यहां भी 90 डिग्री है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि ये आपतित किरण और परावर्तित किरण का कोण बराबर होता है, आपने पढ़ा था। ठीक है, तो आपतित किरण का जितना कोण है, परावर्तित किरण का भी उतना कोण है। अब दो, जो दो त्रिभुज होते हैं वो समान कब कहलाते हैं, जब उनके कम दो भुजाएं, अगर दो कोण अगर बराबर हो रहे हैं, तो दो समान त्रिभुज कहलाएंगे। अब जब समान त्रिभुज पता है, तो क्या होता है कि ये जो त्रिभुज, जो समान त्रिभुज है, इसमें से आपका ये एच ओ हो गया, ये एच आई हो गया। ठीक है, तो ये दोनों भुजाओं के बीच का अनुपात, तो एच आई बटा एच ओ, इसका अनुपात किसके बराबर होगा, इसका अनुपात होगा ये भुजा और ये भुजा के बराबर। ठीक है, तो ये भुजा कितना, ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है, उसका भुजा का लंबाई कितना होगा, इस भुजा का लंबाई, क्योंकि ये यहाँ पोल से यहां तक है वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी हमने यू माना था भाई, यू होगा, नहीं, आप ऊपर एच आई लिखे ना, तो यहां एच आई जब ऊपर लिखे हैं, तो इसकी दूरी निकाला जाएगा। तो ये वाला जो दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी, ये वस्तु की दूरी कितना है, वस्तु की दूरी हम भी माने थे, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कितना है, भी है। वहीं अब इस त्रिभुज का बात, इस भुजा का बात किया जाए, तो यहां पे हम इस दो त्रिभुज का बात कर रहे हैं, ये वाला त्रिभुज है और एक ये वाला त्रिभुज।
इस भुजा का कितना दूरी है, यू से दिखाते हैं, क्योंकि यहां से पोल से लेके वस्तु की दूरी जितना है उसको हम यू से दिखा रहे हैं। तो ये एक बन गया, लेकिन ये एक समीकरण बना, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं एफ कहीं पे नहीं आया, तो यहाँ पे जो रिश्ता है नहीं निकल पाया, यू भी और एफ में हम जो रिश्ता निकालना चाह रहे हैं यहां से नहीं हो पाया। अब क्या करेंगे कि अब दूसरा त्रिभुज ढूंढेंगे जहां पे एफ को भी शामिल किया जा सकता है कि नहीं। तो देखिए ये वाला दोनों त्रिभुज, ये वाला जो दोनों त्रिभुज थे इसको हमने इस्तेमाल कर लिया, एफ नहीं मिला यहाँ पे, यहां से एफ का कोई रिश्ता नहीं निकल रहा है। दूसरा त्रिभुज ढूंढें, ये भी एक त्रिभुज है, ये वाला ऐसे एक त्रिभुज है, लेकिन ये वाला त्रिभुज काम का नहीं है, ठीक है। ये वाला त्रिभुज देखिए, ये वाला ऐसे, इसमें 90 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पे इस त्रिभुज की बात किया जाए ऐसे, तो यहाँ पे हम 90 डिग्री मान लेते हैं। एक कोण ये हो गया, दूसरा कोण ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा भैया, ठीक है। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में, ये दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गया, मतलब दोनों त्रिभुज समान है, ठीक है। इसमें भी अब भुजाओं का जो हम अनुपात निकालेंगे वो दूसरे भुजाओं के अनुपात के बराबर होना चाहिए, लेकिन मन में एक सवाल उठेगा यहाँ पे कि ये वाला जो है इस त्रिभुज में जो ये वाला जो भुजा आ रहा है ये तो भाई सीधा नहीं है, एकदम सीधी रेखा नहीं है, ये तो भाई आपका अवतल दर्पण है तो मतलब थोड़ा सा मूड़ा हुआ है, लेकिन क्या है ना कि हम अवतल दर्पण का बहुत सा छोटा सा हिस्सा ले रहे हैं, बहुत छोटा सा हिस्सा। ये जो अवतल दर्पण है ये गोलीय दर्पण का एक भाग है, छोटा सा भाग है, गोलीय दर्पण बहुत बड़ा होता है उसका छोटा सा भाग है, उसमें से हम छोटा सा हिस्सा को लिए। तो किसी भी गोलीय दर्पण में अगर छोटा छोटा भाग को लिया जाए तो उसको आप सीधा मान सकते हैं, तो ये छोटा सा भाग है इसीलिए हम इसको सीधा मान लिए हैं। तो ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे ये और ये कोण बराबर हो गया। तो अभी हम ये दोनों भुजा त्रिभुज को मान रहे हैं, ठीक है। अब इसमें भी अनुपात निकालते हैं, तो ये जो इस भुजा का दूरी कितना होगा, लंबाई कितना होगा, जो HO के बराबर है, ठीक है ना, यहाँ और यहाँ दोनों बराबर है ना, क्योंकि ये और ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। अगर दो समांतर रेखाएं के बीच में कहीं पे भी लाइन बनाइए तो दोनों एकदम बराबर होता है। तो ये और ये समांतर के बीच में ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, दोनों बराबर है, तो इसको हम HO से दिखा दिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे वही HI बटा HO, ठीक है। तो HI को पहले लिखे हैं, तो यहां से यहां तक की दूरी हम कितना मानते हैं, P से लेकर के HI तक की जो हमारी प्रतिबिंब की दूरी बन रही है उसको हम कितना मानेंगे। तो यहां से यहां तक की दूरी कितना है भाई टोटल, वो हो जाएगा आपका, ये आपका जो प्रतिबिंब का दूरी भी दिया हुआ है, बराबर भी बटा। अब क्या करते हैं हम, लेकिन यहां पे देखिए भी नहीं लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहां से यहां तक का भी दूरी भी है, हम इसको बस मान रहे हैं, इसको बस ले रहे हैं। तो इसको जब लेने के लिए यहां से यहां तक का टोटल कितना है, भी है, और यहां से यहां तक का दूरी कितना है, एफ है। तो अगर भी में से एफ को निकाल दिया जाए, यहां टोटल दूरी में से इतना को निकाल दिया जाए तो ये वाला दूरी बचेगा, तो भी माइनस एफ हो गया, ठीक है। उसी तरह से एच ओ, यहां से यहां तक की दूरी कितना होगा, जो वस्तु की दूरी है, ठीक है। तो यहां से यहां तक की दूरी, अब इस वाले में यहां से यहां तक की दूरी कितना हो जाएगा आपका, एफ जितना है उतना, ये दूसरा समीकरण बन गया आपका। अब इसमें एफ है और भी है, इसमें यू और भी है, तो दोनों में बराबर क्या चीज है, एच आई बाई एच ओ, एच आई बाई एच ओ, ठीक है। मतलब क्या होगा, भी बाई यू बराबर भी माइनस एफ बाई एफ, ये बराबर हो गया, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं करना, आपको बीज गणित अगर आता है तो बस सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या करना है, इसको इसको इधर इधर से गुना कर दीजिए, तो भी एफ इसको इसको जब गुना किया बराबर, इसको इसको गुना किए यू भी माइनस इसको इसको गुना किए यू एफ, तो यहां से आपका आ जाएगा क्या, अब दोनों तरफ क्या कर दीजिए, यू भी एफ से भाग दे दीजिए, तो भी एफ बटा यू भी एफ बराबर यू भी एफ यू एफ यू भी एफ। तो यहां पर देखिए यू कट गया, एफ कट गया, एफ कट गया, इसमें से यू कट गया, भी कट गया, भी कट गया, यहां पे यू कटा, एफ कटा, एफ कटा, क्या आ जाएगा आपका, एक बटा भी बराबर एक बटा एफ घटाओ एक बटा यू, ठीक है। अब इस यू को अगर हम इस तरफ ले आते हैं क्या आ जाएगा, वो एक बटा एफ बराबर एक बटा यू जोड़ एक बटा भी, ये आपका दर्पण फॉर्मूला, इसको हम मिरर सूत्र, मिरर फॉर्मूला बोलते हैं, इसी को दर्पण सूत्र बोलते हैं।
लेकिन यहाँ पे ना एक चीज आपको समझना है, क्योंकि ये जो सूत्र है इसको कैसे इस्तेमाल करना ये समझना बहुत जरूरी है। तो हमने देखा था पिछली कक्षा में, हम पढ़े थे ये वाला, आपको याद रखना है, इसको हम मिटा रहे हैं थोड़ा सा समझाने के लिए। एक उदाहरण देते हैं अभी, ठीक है। तो हमने क्या, हमारा क्या निकला, 1/f बराबर 1/u + 1/v, ठीक है। ये हमारा चित्र ये निकला। अब मान लीजिए एक दर्पण है, उत्तल दर्पण है भैया, ठीक है। यहाँ पे वस्तु रखा गया है, तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा ऐसे बनेगा, मान लीजिए कि ऐसे जाएगा, एफ से होते हुए जाएगा, ठीक है। और एक यहाँ पे ऐसे, इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ये प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब इसका क्या करना है हमको, इसका प्रतिबिंब का दूरी निकालना है। ये पोल से यहाँ पी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, प्रतिबिंब कितनी दूर पे बन रहा है उत्तल अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी वस्तु की दूरी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। और जो हमारा फोकस है उसको मान लेते हैं एफ बराबर मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो यू की दूरी है 5 सेंटीमीटर। तो आपको याद रखना है कि पिछली कक्षा में हम पढ़े थे कि जिस दिशा में आपतित किरण जाती है, जिस दिशा में जो आपतित किरण जाती है, अगर पोल से उस दिशा में, आपतित किरण की दिशा कौन सा है, ये वाला है, इधर जा रही है। पोल से अगर इस दिशा में किसी भी चीज का हम लंबाई मापेंगे तो उसको हम प्लस में लिखेंगे, और पोल से उसके उल्टी दिशा में अगर मापेंगे तो वहां पे माइनस लिखेंगे। अब u जो है आपका, जो वस्तु का दूरी है, वो किधर नापा जा रहा है, उल्टी दिशा में नापा जा रहा है, ये आपका u है, ठीक है। तो इसका, इसको पांच जो लिखेंगे, -5 सेंटीमीटर, 5 आपका दूरी है, ठीक है। लेकिन उसके पीछे आगे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, नकारात्मक का चिन्ह लगाना पड़ेगा, ठीक है। वहीं पे अगर f की फोकल लेंथ की दूरी मापा जाए, नाभिक की दूरी मापा जाए, तो वो आपका प्लस में होगा, क्योंकि पोल से जिस दिशा में जब नाप रहे हैं f, इधर नाप रहे हैं, तो वो भी उसी दिशा में इधर आपतित किरणें की दिशा है। तो यहाँ पे आपको 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे अगर प्लस, तो माना जाएगा कि प्लस लिखा हुआ है, सकारात्मक चिन्ह लगा हुआ है। और आपको भी निकालना है, भी क्या हुआ, तो बस इस चीज को उठा के इस फॉर्मूला में रख दीजिए, 1/f बराबर 1/u + 1/v जो है, तो 1/f कितना हो गया, 1/3 बराबर 1/-5 + 1/v। अब क्या होगा, 1/v है, अगर इसको इस तरफ ले जाया जाए तो बराबर 1/3 - 1/5, 1/v बराबर 1/3 + 1/5। तो वहीं से आपका हो जाएगा v, 1/v बराबर कितना हो जाएगा, 15 और ये हो जाएगा 5 + 3, मतलब हो जाएगा आपका 1/v बराबर 8/15। वहीं से आपका v बराबर हो जाएगा 15/8, ये आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा, ये आपका दूरी निकल गया, ठीक है, ये निकल गया। अभी यहाँ पे देख रहे हैं जो आपका दूरी निकल के आ रहा है वो किसमें आ रहा है, इसमें कोई चिन्ह नहीं आ रहा है, प्लस में आ रहा है, मतलब समझ जाइए कि आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है किधर बन रहा है, वो बन रहा है आपका इस तरफ बन रहा है, इसके पीछे आपका उत्तल दर्पण है उसके पीछे बन रहा है। तो आपको यहां समझ में आ गया, वहीं पे अगर हम अवतल दर्पण ले लें, अवतल दर्पण ले लें, ठीक है, इसी को ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। तो यहां से यहां जो है आपका जो वस्तु की दूरी है u बराबर, इसको हम 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। और f का दूरी जो है, f का दूरी वो 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो u आपका जो आपतित किरण की दिशा इस तरफ है, तो -5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी तरह से आपतित किरण की दिशा इस तरफ है, लेकिन हम पोल से फोकस किधर माप रहे हैं, इधर की ओर माप रहे हैं, तो आपका फोकस भी -3 सेंटीमीटर लिखा जाएगा, ठीक है। अब v बराबर निकालिए क्या होगा, तो वही f 1/-3 इसी फॉर्मूला में लगा देते हैं, -5 + 1/v। अब भी 1/v है, ठीक है, तो हम इसको इधर ले आते हैं, तो -1/3 और इधर इधर आ गया, तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा 1/5, ठीक है। वही आप कर दीजिए इसको सोल्व कि 1/v बराबर कितना हो जाएगा, 15, तो यहाँ पे -5 + 3, ठीक है, कितना हो गया भैया, 1/v बराबर 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2/5, ठीक है। अब v बराबर 15
दो माइनस दो। तो आप यहाँ पे देखिए ये भी आ रहा है माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है मतलब इसका नकारात्मक चिन्ह आगे आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि माइनस में है, इसका मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आपका दर्पण के सामने बन रहा है। तो आप प्रतिबिंब का दूरी अगर नापिएगा तो पता चलेगा कि नहीं ससुरा इधर पोल से इधर जाना है, ठीक है, आपतित किरण जो है उसके उल्टी दिशा में नापना पड़ रहा है, मतलब क्या है कि इधर बन रहा है प्रतिबिंब, समझ में आ रहा है। तो आपको ये चीज निकाल के देखना है, प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, इससे पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, गणित था, विज्ञान नहीं था इसमें ज्यादा। देखिए पीछे बहुत बम बम फोड़ रहा था, अभी दिवाली वाली है तो उसके वजह से कुछ आवाज आया होगा, लेकिन उसको इग्नोर कीजिएगा, ज्यादा फोकस करना किसमें करना है, इसमें करना है। तो ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से हमको लग रहा है, नहीं आया तो कमेंट वमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में डिस्कस कर लेंगे हम लोग अगला अगला लेक्चर में, ठीक है।